तो पिवट टेबल के अंदर हम कैलकुलेशन देने देखने जा रहे हैं। हमारे इस डेटा में क्वांटिटी है, एमआरपी है, और यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला होता है आपका कैलकुलेटेड फील्ड, दूसरा होता है आपका सो एज ए कैलकुलेशन। तो जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा है कि सिटी वाइज सेल है, मुझे यहाँ पे बगल में इसका कंट्रीब्यूशन चाहिए कि ओवरऑल सेल में किस सिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी को उठाएंगे एक बार और इसी के नीचे रखेंगे। याद रखिएगा किसी भी फील्ड को आप जो है इन चारों तीनों में एक ही बार रख सकते हैं, बट आप वैल्यू वाले सेक्शन में किसी भी फील्ड को मोर देन वन टाइम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको सम कर दिया ताकि सम दिखे, बट मुझे सम नहीं, इसका परसेंटेज चाहिए, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो जब आप वैल्यू फील्ड सेटिंग करते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे जो निशान है एरो का उस पर क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ आपको दिखता है शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज। इसमें आपके सामने नो कैलकुलेशन रहेगा, तो यहीं पे आप कैलकुलेशन दे सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि कंट्रीब्यूशन चाहिए कितना हुआ, तो यहीं पे मैं परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए हमारे सामने सबका परसेंटेज शो हो गया है, क्या कंट्रीब्यूशन सबका है। इसमें और भी कैलकुलेशन है, जैसे मान लीजिए कि सबका रनिंग टोटल चाहिए हमको, तो यहीं पे आप जो है क्यूमुलेटिव टोटल जो होता है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, शो रनिंग टोटल। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हैं जो कि आप डायरेक्टली पिवट टेबल के अंदर ही कर सकते हैं। अब इसको एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, हम बता देंगे आप।